नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के फिर से एक नए वीडियो में। गाइज, मैं हूं वीके तिवारी और आप देख रहे हैं विजेता का ज्ञान। दोस्तों, कलकल करती बिछिया व बीहर नदी के आंचल में बसा रीवा, रीवा से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है खूबसूरत गोविंदगढ़। ये जो आप ओवरव्यू देख रहे हैं, ये है गोविंदगढ़ का नज़ारा और ये आप देख रहे हैं, ये है गोविंदगढ़ का तालाब। दोस्तों, के महाराज की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी गोविंदगढ़। दोस्तों, यहाँ का अद्भुत विशाल प्रकृति सुंदरता को अपने में समेटे हुए यहाँ का विशाल तालाब लोगों के आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, इस तालाब का इतिहास शुरू होता है महाराजा रघुराज सिंह जूदेव से। दोस्तों, उनकी आज्ञा के अनुसार 1913 में इस तालाब का निर्माण कार्य आरंभ किया गया। तब इस तालाब का क्षेत्रफल 220 बीघा था। 1959 में इस तालाब को बृहद करने हेतु फिर से इसका निर्माण कार्य आरंभ किया गया और 1973 में यह तालाब अपने पूर्ण आकार 559 एकड़ के विशाल जनसरोवर में तब्दील हो गया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत ओवरव्यू निकल के आता हुआ गोविंदगढ़ तालाब का। दोस्तों, गोविंदगढ़ की फेमस चीज़ें हैं यहाँ का आम, जैसा कि आप देख सकते हैं आम के पेड़ यहाँ बहुताए आपको देखने को मिलेंगे, और गोविंदगढ़ की मछलियाँ। दोस्तों, गोविंदगढ़ को मिनी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर राम गोविंद मंदिर, पंचमुखी मंदिर, चवंडी मंदिर, शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, ये सभी मंदिर गोविंदगढ़ किले के आसपास के क्षेत्र में स्थित हैं। यह भी माना जाता है गोविंदगढ़ नाम गोविंदगढ़ किले के परिसर के भीतर स्थित गोविंद मंदिर पर आधारित है। इस क्षेत्र की प्रमुख जो फसलें हैं दोस्तों, वो है चावल, बाजरा और गेहूँ। एक तिहाई से अधिक क्षेत्र वनों द्वारा घिरा हुआ है यहाँ का। दोस्तों, यहाँ पहला जो सफ़ेद बाघ मोहन पकड़ा गया था, वो गोविंदगढ़ के जंगलों से ही 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह के द्वारा पकड़ा गया था। दोस्तों, आप देख सकते हैं दूर दूर तक केवल आपको पानी ही पानी दिखेगा। काफ़ी एरिया में ये तालाब फैला हुआ है और इस तालाब के साइड साइड में आप देख सकते हैं ये आम आपको देखने को मिल जाएंगे, आम के पेड़। और सामने आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये है कैमूर की पहाड़ियाँ। तो बहुत ही शानदार ओवरव्यू निकल के आता हुआ गोविंदगढ़ तालाब का। दोस्तों, गोविंदगढ़ अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो इस तालाब में ज़रूर विज़िट करें। और गोविंदगढ़ में की घूमने वाली चीज़ें जो यहाँ की फेमस हैं, वो है गोविंदगढ़ पैलेस, गोविंदगढ़ का किला और गोविंदगढ़ तालाब, और पास में ही है यहाँ खंधो माता मंदिर जो कि यहाँ के आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ओवरव्यू निकल के आता हुआ गोविंदगढ़ का। तो आई होप कि आज का छोटा सा ये वीडियो और छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।